जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग, इससे भी ज़्यादा भयानक होता है किसी के दिल में छुपा हुआ कपट। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से बहस करोगे तो ज़िंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। आज के ज़माने में हर चीज़ महंगी हो गई है, लेकिन एक इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी भी तरह के फ़ायदे की उम्मीद नहीं होती। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगी। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना मरना नहीं है, वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने का ताकत नहीं रखता। इंसान ज़्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होते हैं। क्रोध में जो छोड़ जाए वो वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जब आपका वक्त ख़राब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज़्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझ कर लोगों के साथ समय बिताया करें। क्रोध के समय रुकना सीखें, गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो, भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन चार लोगों में बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना।